मेरी बड़ी में आया था, आपकी बहन कमिंग वीक में आ रही है, बहुत जल्द आप सबसे मुलाकात होने वाली है। और आज उनकी हज की दावत हम लोगों ने प्लान की, मुझ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, मुझे लेट हो रहा है, ऊपर से ये मसला हो गया था। आप लोगों ने दावत रखी ना कि आपकी दावत है, और उसके ऊपर कुछ बैठा हुआ है। घर की बड़ी बहू गिफ्ट थी, तुम मैंने खाली है, इसने मेरा ले लिया, मुझे दो। Hi everyone, Assalamu alaikum, this is me Abhika Kashif, welcome back to my YouTube channel. अभी मैंने लाइव सेशन किया है जुम्मे के दिन, वैसे मैं हमेशा हफ्ते को लाइव आती हूँ, बट मुझे कल एक शूट पे जाना है, जिस वजह से मैंने बोला कि यार आज लाइव आ जाते, कल व्लॉग अपलोड कर देंगे ये वाला। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लोग न्यू है मेरे चैनल पे, जल्दी जाकर चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ ताकि सारी आने वाली वीडियोस की अपडेट आप लोगों को फौरन फटाफट से मिल जाए। इज द ब्यूटीफुल ड्रेस आई एम वेयरिंग राइट नाउ गाइस, ये ड्रेस मेरी बरी में आया था, आप लोगों ने देखा होगा, जब एंगेजमेंट के ड्रेसेस आए थे, गिफ्ट्स आए थे, मैंने उसकी अनबॉक्सिंग की थी, तो उसमें ये खूबसूरत सा ड्रेस था, तो मैंने सिलवा लिया फाइनली, एंड दिस इज द फाइनल लुक, टाटा, ससुराल से आया हुआ ड्रेस। साथ ही साथ मैं आप लोगों को स्पेशल न्यूज भी दे दूं, मैंने सोचा कि चलो यार लाइव सेशन में तो बता दिया, बट जिन्होंने मिस कर दिया उन सबको मैं अभी बता देती हूँ। आपकी बहन कमिंग वीक में आ रही है सऊदी अरब, वहाँ पे पाकिस्तान नाइट होने वाली है, उसमें आपकी रबीका काशिफ खान भी हैं, तो तैयार हो जाओ, बहुत जल्द मैं आप लोगों से यू नो पोस्टर्स वगैरह शेयर करूंगी। वैसे तो सोशल मीडिया पर पोस्टर इधर उधर चल रहे हैं, बट ऑफिशियल पोस्टर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, बताऊंगी, तो तैयार हो जाओ जितनी मेरे सऊदी वाले फैंस है, कि बहुत जल्द आप सबसे मुलाकात होने वाली है। यहाँ पे मैंने केक ऑर्डर किया है क्योंकि जो मेरी दादी हैं वो आई हैं हज से, और आज उनकी हज की दावत हम लोगों ने प्लान की है, तो मैंने ये केक उनके लिए बनवाया है, साथ में फ्लावर बुके भी ऑर्डर किया, तो अभी वो ऑन द वे है, तो बस आ ही रहा है, तो उसको हम लोग फ्रिज में रख देते क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा शदीद है, कहीं ऐसा ना हो कि ये पिघल जाए, कहीं इसमें से सारी चीजें गिर जाए, सो आई डोंट वांट, इसको फ्रिज में रखते हैं जल्दी से। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो यहाँ पर मैंने अपने बाल बनाए हैं गाइज, मेरा दिल कर रहा था कुछ बालों में हेयर स्टाइल बनाने का, तो समझ में कुछ आए नहीं, तो मैंने ये बना ली ब्रेड, आई होप अच्छा लग रहा होगा। तो खैर मैंने आप लोगों को बताया कि मेरी दादी की आज दावत है, वो हज से आई है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वहीं उसके लिए रेडी हम लोग हो चुके हैं, उनके लिए गिफ्ट्स वगैरह भी हम लोगों ने मंगवा लिए हैं, जल्दी से ड्रेस चेंज करते हैं और फिर निकलते हैं, बिकॉज लेट हो रहा है, क्योंकि दावत हमने होस्ट की है तो हमें ऑन टाइम पर होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यस लेट्स गेट रेडी, आई मीन लेट्स चेंज द ड्रेस। इस ड्रेस को पहले आयरन करवाया था, ये मुझ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, मुझे 1% पसंद नहीं आया, तो अब मैंने ये शर्ट निकाली, आयरन भी नहीं किया, आप लोग देख सकते हो, मैंने फटाफट से पहने, बिकॉज लेट हो रहा है, ऊपर से ये मसला हो गया था, तो मैंने कहा यार चलो खैर अब यही पहन लो, इसलिए ये पहन लिया, तो अब चलते हैं, वॉच निकाल लूं मैं अपनी। मेरे साथ लास्ट मोमेंट पे ये सीन हुआ है, जो ड्रेस का बंडा हुआ है बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, जिस तरह का लुक होता है वो आ ही नहीं रहा था, फिर आयरन के लिए टाइम नहीं था, नीचे अभी भी सब वेट कर रहे, चीख रहे, मैंने कहा आ रही व्लॉग बना रही, व्लॉग बना रही, क्या सोच है रे तेरी, तो इसीलिए, वरना तो फौरन से मैं आयरन करती और पहन ही लेती। हम लोग पहुंच चुके हैं, वही है हसन खान, ये लगा लुमानी, अच्छा लग रहा है, सब मुझे ही देखेंगे कि क्या लगा के आ गई है, वही ने देखो भैया मुझे फूल लगा दिया, लेकिन एक सेकंड, घर का फूल खुशी की बात है, गजरे भी ला के दिए थे मम्मा और मुझे, मैं घर पे ही फूल वो रह ही गए। ये हमारा फ्लावर बुके भी आ चुका था, मैंने व्हाइट रोजेस वाला फ्लावर बुके बनवाया है, ले लिए सारे, एक दिखाओ सही सलामत है, अरे प्यारा सा केक, भैया अंदर जाके बनाए इसकी वीडियो, चलो 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 चलो, एक तो यहाँ पे हवा बहुत लाजवाब चलती है, और आप लोगों ने ये जगह देखिए पहचान गए, जब हम लोग वेन्यू सिलेक्शन के आए थे उस एनर में, हमने ये जगह भी देखी थी, बहुत अच्छी जगह थी लेकिन सेटलमेंट नहीं हो पाई, मम्मा की कुर्ती ले आया, बीबी के आपका गिफ्ट ले आया, चले लोग चलते हुए ऐसे आ रहे जैसे इनकी दावत है, मम्मा आप लोगों ने दावत रखी है ना कि आपकी दावत है, तो हम नहीं रखी है जाहिर है अभी, तो आप लोग ऐसे चलते हुए आ रहे जैसे पता नहीं मेहमान हो, नहीं है, अच्छा अब तक आई नहीं, शुक्र हम लोग पहले पहुंच गए,
लेट्स गो। यहाँ पे इतना रश है, मैंने पहली दफा देखा। पिछली दफा जब हम लोग आए थे ना तो सारे लोग जा चुके थे, बंद हो गया था तकरीबन। पहले हमने वहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट देखी, अंदर देखी, सोचा कि अंदर इंडोर बैठ जाते, लेकिन इतना रश हो रहा है इंडोर तो कि बैठने की जगह ही नहीं है। तो अब ये जगह मिली है, और हवा का तो कोई सीन ही लग रहा। भैया हवा तो एक पर्सन नहीं है ना। क्या सीन होगा? मुझे लगता है मैं उधर बैठती था कि पंखा मेरे ऊपर आए। मैं उधर बैठती हूँ, हेड ऑफ द फैमिली। चलो गाइस, कहाँ से कुछ बैठा हुआ है, कौन बैठा हुआ है? कबूतर। घर की बड़ी बहू गिफ्ट देते हुए अपने सास ससुर को। वाह वाह वाह, ये मेरा मेरे लिए नहीं लेके आए, अलग अलग लाई है। अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, लेकिन इसको देख के मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि इनके नैपकिन का हाल बेहाल क्यों हो रहा है। हालांकि ये न्यू रेस्टोरेंट खुला है, बट पता नहीं क्यों इतना ज्यादा गंदा ये सारी चीजें रखी हुई। मेरे ख्याल से दूसरे वाले भी इसी तरह के होंगे, तो इनको चाहिए कि इनको साफ सुथरा करके रखें, क्योंकि यही चीजें होती हैं जो सामने। लग रहा था मस्त एसी में बैठेंगे, आराम से बाल खोल के चल रहे। पता होता ना आउटडोर बैठेंगे इस तरह का होगा सीन, क्योंकि अंदर जो है वो बर्थडे पार्टी चल रही दोनों रूम में। अगर एक में भी होता तो ठीक था, लेकिन नहीं, दोनों रूम में इस तरह का सीन है। क्या कर सकते हैं, अब गर्मी में ही बैठना पड़ेगा। तो भाई पूरी फैमिली साथ में बैठी हुई है, माशाल्लाह माशाल्लाह है। सब हो रहे दादी दादा हमारे, माशाल्लाह माशाल्लाह इतने प्यारे लग रहे हैं दोनों भाई। भाई कपड़े पहन के बहुत खूबसूरत है। शायद इतना बैड सीन हुआ कि अगर मैं कैप्चर कर सकती होती ना, मैं आप लोगों को जरूर दिखाती। बिल्ली बकायदा मेरे पूरे पैर पे यहाँ पे चढ़ी है। तुम्हें पता होता तो पैर नीचे नहीं रखती। हाँ मुझे पता था, मैं यहाँ से उसके उधर चली जाती। बिल्ली बकायदा मेरे पैर पे चढ़ी है, हालांकि मुझे बिल्ली से डर नहीं लगता है, बट यार अचानक से आई तो डर लगेगा ना। हाँ। वहाँ बैठी हुई थी, वो कूद के आई। वहाँ बैठी हुई थी चेयर पे, मेरे पजामे के अंदर घुस गई थी सीधे। मैंने कहा ली है, फालतू बातें करता ही है। खाना आ गया, गर्मा गर्म खाना। ये तो मेरा मोस्ट फेवरेट आलफ्रेडो। भैया मेरा डाइट फूड नहीं लेके आए तुम, दर्द हो रहा है। और इतना क्यूट लग रहा है, ये इतना प्यारा लग रहा है ना। मेहमानों को पहले थैंक यू, ये बहुत इम्पोर्टेंट है गाइस। इसको भी दे दो बेचारे को, लाओ मैं दे दूं तुम्हें। इसने मेरा ले लिया, मुझे दो। इसने ले लिया है। एंड सैनिटाइजर बहुत इम्पोर्टेंट है गाइस, आप लोग भी प्लीज इस चीज का ख्याल रखो। तुम घर आयो जब भी। अब इन लोगों की पिक्चर्स खत्म होंगी तो हम कुछ खाएंगे ना, खत्म ही नहीं हो रही इनकी पिक्चर्स। आपकी वाली आदत लग वेरी फनी, जल्दी करो। मम्मा और मेरी फुफो बैठी हुई है, दोनों सहेलियां एक साथ। मम्मा हमसे भी पूछ लें, हमसे बस। अच्छा मेहमानों को दे दें यहाँ पर। बिल्ली ने ना हमें बहुत तंग करके रखा हुआ है, इतना नीचे घूमे जा रही है। वो भी सिर्फ इस वजह से क्योंकि किसी ने जो हड्डी डाल दी उसको, वो तभी आई जा रही है। डाली है हड्डी, हड्डी डाली। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोगों ने खाना खा लिया है। केक वगैरह फ्राई हो गया, अभी हमने नहीं दिया, हमने कहा पहले खाने से पी लिया। यही तो मसला है, वॉच बंद करो। कसम से अंदर आके इतना सुकून मिल रहा है ना, ऐसा लग रहा है जन्नत में आ गए। इतनी गर्मी में हम लोग बैठे हुए थे, बाहर तो आग बरस गई थी। आग बरस रही थी। भैया मेरा वीडियो बना, मैं करूँगी। नो जाओ अभी का। सामने देखें, एक मिनट सामने देखें। चॉकलेट
माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बहुत मुबारक हो। जरीर साहब एंड में जा रहे हैं केक खिलाने दादी को। ज़्यादा टाइम बाद मिलो ना तो यहाँ पे इस तरह की फोटो सेशन हो रहे होते हैं सारे कजन्स के साथ दादी के साथ। ओह अल्लाह गाइस इतने प्यारे प्यारे फैंस मुझसे मिलने आए हैं, इतने क्यूट क्यूट, थैंक यू सो मच। इतना ये लोग बता रहे हैं हम इतने शौक से आपके ब्लॉग्स देखते थे, थैंक यू सो मच। आ जाओ जरा प्यारी सी बच्ची, इतना क्यूट बच्चा, ये तो पाला पाला शो। सब आ गए, अब जाके ब्लॉग देखना, ठीक है बाय। तो अब हम लोग जो है वो घर जाने लगे हैं, दावत अच्छे से हो गई, हर चीज अच्छे से हो गई है, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। 2000 years later तो finally just back home guys। सच बताऊं तो बहुत शदीद नींद आ रही है, बट सो नहीं सकते बिकॉज एक्सरसाइज करनी है, मैं एक्सरसाइज छोड़ नहीं सकती। बाकी क्या सीन कुछ इस तरह है कि सुबह जो है वो जाना है, आप लोग को पता है कि मुझे शूट पर जाना है, तो उसकी तैयारी करनी है, अभी सारी कपड़े वगैरह निकालने हैं, तो बस अभी मैं उसी में लगूंगी और फोन को चार्ज पे लगाऊंगी। यहाँ पे हम खा रहे हैं मैंगोज। ये लो भैया, आप लाल पीला क्या होना पसंद करोगी? तो लाल पीला था, अभी तो तरबूज दे। A few inches later. So I'm done with all the work guys. सारी तैयारी मैंने कर ली है कल के लिए, so all set for tomorrow. आप लोग प्लीज दुआ में याद रखना, वीडियो को जल्दी जाके लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। So keep supporting, keep loving, lots of love, take care, अल्लाह हाफिज़।